सेलिब्रेशन तो नहीं, समय नहीं मिल पाता घर के लोगों से मिलने का, तो मैंने सोचा घर के और जो बहुत करीब के दोस्त हैं उनसे मिलने का समय नहीं मिल पाता। बड़े कुछ लोग आएंगे जो हमारे अनुपमा के हैं, उनसे सेट पे मिलती हूँ, लेकिन जिस तरह से यू गेट टू अनवाइंड रिलैक्स एंड चिल विद फ्रेंड्स, तो वो करने आई हूँ। बर्थडे तो बस एक बहाना है एंड आई हैव ही ऑलवेज सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। पिछले दो साल लॉकडाउन में नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि इस बार लेट्स डू समथिंग, लेट्स गेट टुगेदर विद द फैमिली विद फ्रेंड्स एंड माय टीम, प्लीज कम हियर ब्रैंडन बस, माय टीम रिया मधु एंड डॉली इज कमिंग, सो दे काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज दिस सरप्राइज बैश फॉर मी, आई डिडंट इवन नो। तो मैंने एक्चुअली लोगों को लास्ट मिनट इनवाइट भेजे हैं, दे काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज दिस होल थिंग। मुझे दादी के साथ थोड़ा टाइम मिल जाए बस उसी में, सॉरी आई गेट सम टाइम टू ट्राई टू गेट सम टाइम टू स्पेंड विद हर, दैट इज हमारे लिए सबसे बड़ा लग्जरी इन द लास्ट 2 2 एंड हाफ। तो की मैं बात करूं द काइंड ऑफ रिस्पांस, इतने सालों से मिल रहा है, अभी हाल ही में मैं बात करूं जो मैसेज मिल रहा है, इस शो के जरिए राजन शाही और उनके टीम ऑफ राइटर्स, दे विल बी हियर इन सम टाइम, उन्होंने हमेशा ये मैसेज देने की कोशिश की है, एक तरह से समाज को एक अलग सोच देने की कोशिश की है। दे कांट चेंज द वर्ल्ड, वी कांट चेंज द सोसाइटी, लेकिन एक कोशिश है कि लोग शायद अलग तरीके से सोचेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें बदले हमारे समाज में। I have a couple of, I would not call them fans, I would call them my digital family. तो वो आई हुई हैं और मैं उन देखती हूँ उन्हें, मुझे सपोर्ट, मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, आज पहली बार उनसे मिल रही हूँ और आई फील सो ओवरवेल्म्ड कि जिन लोगों को मैं जानती नहीं, जिन लोग से मैं मिली नहीं, वो लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, आई फील सो 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 गुड, ही इज़ वेरी नाइस विद ऑल ऑफ यू। यू काइंड ऑफ let's call them Anupama family, let's not call them fans because they are more than fans now, they are totally Anupama's digital family. Thank you so much, aap log itna pyar de rahe hain, aap log itni hausla afzai kar rahe hain, aap log itna moral boost kar rahe hain, isliye bahut 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 thank you, isi tarah se aapka pyar barqarar rahe, yahi matlab inspire karta hai, motivate karta hai aur mehnat karta hai. Thank you. She's celebrating her birthday और मैं उनसे काफ़ी दिनों के बाद मिलूँगी, काफ़ी लोग हैं जिनसे मैं काफ़ी दिनों के बाद मिलूँगी, सो बहुत मज़ा आने वाला है एंड आई लव हर, शी इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी एंड शी इज़ माई फेवरेट, आई एम हर फैन, तो मैं तो मतलब मैं हमेशा ऑल में रहती हूँ उनके, शी इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग ह्यूमन बींग एंड एंड एन अमेजिंग एक्टर, तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। उनका शो बहुत अच्छा है और शो की सारी बातें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि शो गिव्स अ वेरी वेरी नाइस मैसेज, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स? है कुछ चीज़ें पाइपलाइन में, सो जल्दी आप लोग को पता चल जाएगा। क्या कुछ है गाना आने वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म? वो मैं क्यों बताऊँ, वो मैं नहीं बताऊँगी, बट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी आप लोग को पता, सॉन्ग भी आने वाला है। मैम गुड टू सी यू, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ रूपाली मैम, यस, कितने ज़्यादा एक्साइटेड ऊपर जाने एंजॉय करने के लिए? एंजॉय करने के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होता है, मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और रूपाली मैम का बर्थडे है और आई एम रियली वेटिंग टू मीट हर बिकॉज हम पिछले एक हफ्ते से मिले नहीं है, सो द एक्साइटमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैम डज नॉट लाइक सरप्राइजेज, तो हम जो भी करेंगे उनको पूछ कर करेंगे, तो हाँ मैम लव्स लव्स एनिमल्स, शी लव्स डॉग्स, तो अगर आप लोग कुछ एक स्ट्रीट डॉग के लिए कर देंगे तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा खुशी उनको मिलेगी। जो लड़की जो मैं मतलब आई एम वेरी स्केयर ऑफ डॉग्स, पर आई मेक श्योर दैट व्हेन शी इज़ अराउंड तो मैं ज़्यादा चीची ना करूँ, सो दैट वाज अ बर्थडे गिफ्ट।
And what do you want to say about the show, the kind of love, the TRP always on high? Yes. क्या कुछ कहना चाहूँगा? बस यही कहना चाहूँगी कि भगवान करे कि अनुपमा हमेशा नंबर वन शो रहे और सब लोग बहुत मेहनत करते हैं उस शो में. थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू ऑल हैव गिवन माय कैरेक्टर आल्सो. तो बहुत मज़ा आता है और रूपाली मैम के साथ सीन्स करने में तो बड़े मज़ा आते हैं. थैंक यू. एक हमारा एक अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था. सो विशिंग रूपाली ऑल द बेस्ट. जो आज उनकी तरक्की है, जो उन्होंने मेहनत से और जो उन्होंने आज मुकाम में पहुँचे हैं, आई थिंक वेरी फ्यू आर डेस्टिन्ड यू नो टू अचीव दिस काइंड ऑफ अ सक्सेस. और उस सक्सेस के साथ डे बाई डे जो मेहनत है, ह्यूमिलिटी है, तो हम वही चीज़ को सेलिब्रेट करने आए. और आज एक्चुअली फर्स्ट टाइम, बिकॉज फॉर सम रीज़न वी डोंट बिलीव इन फॉर सम रीज़न पार्टीज थ्रोन बाय एक्टर्स इज ऑलवेज लकी फॉर अस. जब DKP में एक्टर्स पार्टी थ्रो करते हैं तो वो बहुत लकी होता है शो के लिए. तो अभी रूपाली जी के बाद गौरव जी का होगा, सिद्धांशु जी भी देंगे, सब देंगे. इसलिए उनको आज इनकरेज करने आए कि ऐसे और पार्टी. जी जी सर, जिस तरह शो को प्यार मिलता है और हमेशा TRP में देता है, ऑलवेज अप एंड यू ऑलवेज गिव स्मॉल मैसेजेस टू द पीपल, व्हाट डू वांट टू से द काइंड ऑफ लव यू रिसीव? मेरे ख्याल से ये सारी टीम की एक मेहनत है. जैसे मैंने कहा कि शो सब बनाते, मेहनत सब करते, मगर ऊपर वाला डिसाइड करता है कि चंद लोग जब साथ में मिलते हैं, हमारी पूरी यूनिट कास्ट, क्योंकि कुछ मेहनत है. और आई थिंक ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं, हमारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं, घर वालों की ब्लेसिंग्स हैं, और ऑडियंस का प्यार है जो मिला है. तो वी शुड वैल्यू दैट एंड आज उसे सेलिब्रेट करने के लिए टू द सिम्बल ऑफ आर हार्ड वर्क टू रूपाली हम आज विश करने आए एंड वी शुड हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम. सर, आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह से आपके रोल को प्यार मिलता है, काफ़ी हाई है जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? ये जो दो मैजिशियन मेरे साथ खड़े हैं, इन्हीं की देन है. मैं वो क्ले हूँ जिनको इन्होंने बड़े अच्छे से मोल्ड किया और आप लोगों को भरोसा है. आई सिंसियरली फील कि गॉड हैज़ बीन रियली काइंड एंड आई बिलीव कि जैसे एक अच्छा प्लेयर तभी बनता है जब एक अच्छा कोच साथ हो. सो ये मेरे साथ खड़े हैं तो इससे बड़ी बात और होगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू तो अभी ये भी पता नहीं कि ऊपर जाना है. अभी तो बाहर ही हम लोग मिले हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है. ओके, तो आई एम होपिंग कि जब इंसान लाइफ में ऊपर जाता है तो सीढ़ी जब चढ़ता है लाइफ में तो हमेशा अच्छे के लिए चढ़ता है. तो आई एम होपिंग दैट व्हेन आई क्लाइंब अप देयर आई एम श्योर वी विल हैव अ ग्रेट टाइम मीटिंग ऑल आवर फ्रेंड्स अप देयर. few weeks back नहीं, अभी था, बस हाँ 5 तारीख का. या सरप्राइज गिफ्ट तो हम लोग रोज एक दूसरे को देते हैं. जब हम लोग सीन्स करते हैं तो मैं कभी ना कभी दिन में एक बार सरप्राइज दे ही देता हूँ अनुपमा को, बिकॉज वनराज का कैरेक्टर ऐसा है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो कोई ना कोई सरप्राइज मैं दे ही देता हूँ अनुपमा को. No, actually, see, the thing is, the fact is that Vanraj's character is probably the only character of a protagonist from the time I've seen television, जो बिल्कुल ही grey character है. वो बिल्कुल run of the mill hero type था ही नहीं, एकदम की feel good, हर चीज में अच्छा वैसा नहीं था. तो it was a very challenging thing for me to be able to execute. But yes, लोगों ने उसको बहुत सराहा और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी हेट्रेड या जितनी नफरत वनराज को मिलती है वो उसके लिए एक तरह से सराहना है, प्रोत्साहन है. बिकॉज इफ दे डोंट हेट वनराज सो मच देन हाउ विल एवरीथिंग एल्स फॉल इन प्लेस, यू नो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल लव टू हेट मी व्हाट आई वुड से. आई'd लाइक टू से टू माई फैंस दैट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच लव, फॉर गिविंग अस शो सो मच लव. I would also request all of you to keep watching Anupama and keep giving your love, and we will from our side try our best to bring to you a lot of entertainment with a lot of good social messages. Thank you so much. बहुत excited हूँ. जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं usually party attend नहीं करती हूँ, लेकिन ये रुपाली जी का birthday है और मैं बहुत छोटी थी तब से उनके साथ associated हूँ, so बहुत एक स्पेशल कनेक्शन है इसके यहाँ पे. राज में बहुत excited. और
मैंने इनफैक्ट इस सीरीज के लिए गाना गाया था जो कि वो प्रोड्यूस कर रही थी बहुत सालों पहले. आई वाज अ किड एंड शी वाज वेरी वेरी स्वीट इवन देन. तो तब से कनेक्शन है. तो उनका बर्थडे उनकी बर्थडे पार्टी में तो मुझे डेफिनेटली आना था. उनकी शो की मैं बात करूँ तारीफ और कम वर्ड लगेगा. आपको कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. वही एक सीरियल है जो मेरे घर में मेरी दादी हो मम्मा हो इवन पापा सब मिलकर देखते हैं. आई थिंक पूरा देश रिलेट कर पाता है उस सीरियल से. आई एम रियली रियली हैप्पी दैट अनुपमा इज प्लेइंग बाय रूपाली जी. आपके कोई फेवरेट सॉन्ग आपने जो गाना गाया एक गाना नहीं तो ये उन्हें भी रूपाली जी को भी बहुत पसंद है मेरा गाया हुआ गाना. सर बहुत एक्साइटेड हूँ. पहली बार तो रूपाली जी को आई वुड लाइक टू विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे जो कि मैं ऑफकोर्स कर चुकी हूँ पहले. आज दोबारा करूँगी एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि हम इस बार अपना थर्ड बर्थडे साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं. एवरीबडी इज गोना बी सेलिब्रेटिंग द थर्ड बर्थडे जब तक अनुपमा की शूटिंग शुरू हुई है, जब से शुरू हुई है. सो ऑफकोर्स इट फील्स ग्रेट एंड वी गोना सेलिब्रेट टुगेदर विद टीम अनुपमा. एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स कि आपने हम सबको इतना प्यार दिया है कि अब 2 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं हमारे शो को. सो वी आर ऑल फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड टू एवरीबडी. थैंक यू सो मच एंड टीम अनुपमा रॉक. एंड व्हाट इज द वन थिंग दैट मेक्स रूपाली जी वेरी स्पेशल? व्हाट्स द वन थिंग दैट मेक्स हर वेरी स्पेशल? या ये क्वेश्चन है क्या? बिकॉज़ शी इज अनुपमा सो दैट्स व्हाट मेक्स हर स्पेशल राइट? एंड मैम अनुपमा सीरियस की बात करूं हमेशा एक छोटा-छोटा मैसेज रहता है. अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा मैसेज है कौन सा मैसेज? लड़कियों को भी सेकंड चांस मिलता है कीप गेटिंग मैरिड. यस ऑफ कोर्स. सो हमारा शो इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग अ मैसेज जो कि बहुत रियलिस्टिक है और जो कि इट्स हाई टाइम अब सोसाइटी में ये चेंजेस आए जो कि काफ़ी हद तक आने लगे हैं. बट थ्रू आवर शो वी आर प्रमोटिंग दिस वन पॉइंट कि सेकंड चांस इज नॉट नेसेसरी कि बस एक ये बहुत एक वियर्ड सा एक नोशन होता है कि व्हेन इट कम्स टू मेन तो सेकंड चांस क्या, थर्ड चांस, टेंथ चांस भी देना इज नॉट अ बिग डील. लेकिन व्हेन इट कम्स टू वुमेन तब हर एक चीज़ कट डाउन हो जाती है. सो आप शो देख रहे हैं, आप शो को फॉलो करते आए हैं तब आपको पता चला है कि नाउ देयर इज वी आर लिविंग इन अ वेरी लिबरल वर्ल्ड टुडे एंड द एरा दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ डजंट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स. सो यस दिस इज वॉट मैटर्स एंड दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट एंड दिस इज वॉट द ऑडियंस इज लविंग. तो इससे पता चलता है कि हमारी ऑडियंस भी कितनी इवॉल्व है एंड दिस इज हाउ इट शुड बी. लास्टली व्हाट डू यू वांट टू से टू अनुपमा फैमिली हु ऑलवेज सपोर्ट यू कीप योर टीआरपी ऑलवेज हाई. हमारी टीआरपी हाई रखने के पीछे तो सबसे पहले हमारे राइटर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. हमारे माय डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर राजन शाही सर जो कि इतनी मेहनत करते हैं फॉर ईच एंड एवरी एपिसोड. एक एक लाइन, एक एक डायलॉग, सब कुछ उनके गन बाय होता है. यू नो फ्रॉम द टाइनीस्ट ऑफ द थिंग्स टू द मेजर डिसीजन. तो इसीलिए हमारी टीम टचवुड बहुत अच्छी है एंड जो टीआरपी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है, द ऑडियंस. आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं. सो दिस इज व्हाट दैट मैटर्स. दिस इज ऑल दैट मैटर्स टू अस. हम जितनी मेहनत करते हैं, हमारी टीम जितनी मेहनत करती है ओनली ताकि हम आप तक वो एंटरटेनमेंट पहुँचाते रहें. सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड ब्लेसिंग. पहले रूपा को डबल सेलिब्रेशन है, अली मैम का बर्थडे भी और सारा भाई का भी यूनियन है. ओके, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर गोइंग? आई एम सुपरली एक्साइटेड बिकॉज़ रूपाली इज माय वेरी 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 डियर फ्रेंड. वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री सिंस इयॉन्स, लाइक अ लॉन्ग 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 टाइम. सो आई एम सुपरली एक्साइटेड. उसका बर्थडे है, वी आर सेलिब्रेटिंग इट टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी. She's very caring, she's very loving. That's what I really like about her. And what do you want to say about the show, Anupama? Jis tarah ka pyar mein. Oh, okay. So that's our favorite show. And what do I say, yeah? Anupama is the best. Thank you, ma'am. So, bye.
Please, sir. I'll ask, sir. How to put it? Okay, sir, so you have came to Berlin. Yeah. How excited? ये family है, गांगुली family. उनके पिताजी अनिल गांगुली जी, बड़े amazing director. इतना काम किए family को. मेरी बहन है रूपाली, उनका सक्सेस इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. मैं बहुत खुश हूँ. अनुपमा इज़ डूइंग सो वेल और शी डिजर्व द बेस्ट. अमेजिंग एक्ट्रेस एंड आई गिव हर ऑल द बेस्ट विशेस. एंड व्हाट डू यू से अबाउट द शो? द शो इज़ आउटस्टैंडिंग. मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखता, बट ये एक ऐसा शो है जो लोग इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं और इतना पॉपुलर हो गया है. पूरी कास्ट को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स, आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. ऑल द बेस्ट टू देम. और अभी प्रीक्वल भी आ रहा है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया चल रहा है. इनफैक्ट मतलब वही है कि दो परिवारों का मिलन हो रहा है. बट इट्स ग्रेट फॉर हर टू यू नो रिकग्नाइज द फैक्ट दैट कि उसके रूपाली के जीवन में अनुपमा की जितनी अहमियत है, सारा भाई की भी उतनी ही अहमियत है. एंड द वे इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, पसीना दिख ही रहा होगा, नाच नाच के पसीने से हालत ख़राब है. तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आने वाले हर साल वो तरक्की करती रहे. अनसेड है उसके लिए, मतलब कहना शब्दों में उसको बयान करना बहुत मुश्किल होता है. बट आई थिंक कि भावनाओं में हम लोग एक दूसरे से इतनी बुरी तरह जुड़े हुए हैं कि मतलब जीवन के किसी भी मोड़ पे आई थिंक कि जैसा बोलते हैं कि फैमिली कम्स फर्स्ट, सो फॉर रूपाली शी इज़ प्रूविंग इट अगेन एंड अगेन दैट फैमिली कम्स फर्स्ट. मैं तो बहुत पसंद करता हूँ शो को. इनफैक्ट सुधांशु हैं, गौरव हैं, जितने भी कलाकार हैं, बड़े मंझे हुए कलाकार लिए हैं. और कहानी स्टोरी जो है वो आज के दौर में जहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज़ का ज़माना है, वहाँ पे ये सस्टेन करना, ये अपने आप में सक्सेस को बयां करता है. थैंक यू. ऑल्सो माई ब्रिंग इन यार, इट्स बीन ऑलवेज स्पेशल टू वर्क विद रूपाली मैम बिकॉज वी हैव लाइक ग्रोन अप वॉचिंग हर एंड शी लाइक आई डोंट हैव टू टेल यू कि वो कितनी फैबुलस एक्टर हैं. मतलब वो हर चीज़, हर मुर्की इतनी बारीकी से लेती हैं. शी इवन टेक्स अ रीटेक जस्ट टू करेक्ट दैट स्मॉल मिस्टेक इफ इट हैज़ हैपेंड. सो देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हर. और साथ ही साथ शी इज़ अ अमेजिंग ह्यूमन बींग इन टर्म्स ऑफ डॉग्स, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन्स. शी लव्स फीडिंग. हम बहुत खाना खाते हैं, उनके घर का खाना खाते हैं, उनके साथ इन्जॉय करते हैं. वी लव इट. आई थिंक द ऑनेस्टी, द वे वी आर कनेक्टेड, वी आर वेरी वेरी ऑनेस्ट टू ईच अदर. लाइक इफ आई डोंट लाइक एनीथिंग आई विल टेल हर डायरेक्टली ऑन हर फेस एंड शी अप्रिशिएट्स दैट. एंड आई एम वेरी वोकली ऑनेस्ट टू हर ऑन हर फेस एंड दैट इज़ आर ट्रू बॉन्ड. या मैं तहे दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज द वे यू गाइज हैव सपोर्टेड अनुपमा, ईच एंड एवरी कास्ट इन अनुपमा. एंड हम इतना इंजॉय करते हैं आप लोगों के लिए परफॉर्म करना. एंड स्पेशली विद माई कैरेक्टर आप लोगों ने इतना दिया है कि उसको समझा है वेर एवर ही हैज़ गॉन रॉन्ग एंड ऑलवेज सपोर्टेड दैट. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट लव. आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइज टू वर्क हार्ड, इवन हार्डर एंड डिलीवर द बेस्ट. थैंक यू. रूपाली का बर्थडे है, रूपाली जैसे घर की सदस्य है. आजकल तो मैं ये कहूँगा कि अनुपमा नाम का जो सीरियल है वो इतना मशहूर हो गया है कि पूरे इंडिया के ही नहीं, हर भारतीय जहाँ जहाँ देश विदेश में बसे हुए हैं भारतीय, उन सब के घर की सदस्य बन चुकी है हमारी रूपाली. जो सारा भाई वर्सेज सारा भाई से काफ़ी उनको सबसे पहले पॉपुलैरिटी मिली थी. जैसे कि सब जानते हैं सारा भाई का मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ, तो हमारा इंटरेक्शन जो रूपाली के साथ हुआ था एज अ डायरेक्टर एक्टर, तो इट वाज अ वंडरफुल इंटरेक्शन. और तब से एक बहुत प्यारा बॉन्ड बन गया था हमारे बीच. और तब से रूपाली हमारी बहुत ही चहेती अदाकारा ही नहीं, बहुत
अच्छी पर्सन भी हैं और आज उनका जन्मदिन है, तो बस ये बेहद खुशी की बात है, उन्हीं को मुबारकबाद कहने के लिए हम आए हैं। सारा भाई की पूरी टीम आज आई है, सबसे ज़्यादा मिलने के लिए आप किससे? सारा भाई की टीम, हम जब भी मिलते हैं हम पकड़ा जाते हैं, तो अभी मैं वही कि सब लोग आगे पता नहीं मेरे बिना क्या मैं मिस आउट फील कर रहा हूँ, अरे मैं थोड़ा लेट हो गया, वो लोग ज़्यादा मज़े ना लूट लें, तो मुझे जल्दी से जाना है अंदर। थैंक यू सो मच। बहुत 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 एक्साइटेड है एक्चुअली। तो रूपाली का बर्थडे तो हम तो ऐसे रोज़ मनाते हैं, सो वी रियली सेलिब्रेट, शूट पे हम बहुत मज़े करते हैं। आज एक और मज़ा ये एक ही बात का है कि पिछले 2 साल से उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो रहा था, क्योंकि 2021 में हम मिले, अनुपमा शुरू हुआ तब लॉकडाउन लग गया, तो अप्रैल में लॉकडाउन था, लास्ट अप्रैल में उसे खुद को कोविड हो गया था तो हम मिले नहीं थे बर्थडे सेलिब्रेट, तो पूरी 2 साल की जो कसर बाकी रहेगी ये सारी आज बड़ा हम पूरी कर लेंगे। रूपाली एक अलग ही है, बहुत अलग है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, सब कभी कभी उसे झेलना पड़ेगा, बट शी इज टू गुड, टू गुड यहाँ से सोचती है, इसलिए बहुत सारी हरकतें उसकी ऐसी होती है कि हम अरे ऐसा मत कर रूपाली, पर वो बहुत अच्छी है, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, और बस, और सबसे ज़्यादा उसका हमें अच्छा ये लगता है कि एनिमल लवर है और बहुत कुत्तों के लिए उसके दिल में कोई अलग ही प्यार है, और उसके लिए वो बहुत सोचती है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर सकते हैं। बस यही प्यार देते रहिए, नेक्स्ट ईयर वैसे ही वापस हम बर्थडे पार्टी में रूपाली के मिलेंगे, वैसे ही आप हमें ऑडियंस को मैं कहती हूँ कि प्लीज़ प्यार देते रहिए और हमेशा हम नंबर वन रहेंगे, हमारी कोशिश हमारी मेहनत जारी रहेगी। बोलिए। रूपाली जी का बर्थडे कोच बर्थडे सेलिब्रेशन है, काफ़ी लोग ऊपर आए सेलिब्रेशन, आप ऊपर जाने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? मैं बहुत उत्सुक हूँ, बहुत ही वेट कर रहा हूँ कि मैं जाकर रूपाली को हग करूँ और प्यार से विश करूँ। हमारे ग्रुप की जान है रूपाली, सारा भाई ग्रुप की जान है रूपाली, वो नहीं होती तो पार्टी में मज़ा नहीं होता है, कहीं भी ग्रुप पे भी मज़ा नहीं होता है, उसकी कमेंट्स अच्छी, रूपाली जैसी नहीं, आप समझ गए, थोड़ी मस्ती भरी रूपाली की हमारे ग्रुप में जितनी मस्ती होती है, खिंचाई होती है, वो सभी को मज़ा आता है और रूपाली को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उसका, तो वी ऑल एन्जॉय, वी ऑल हैव फन, एंड मैं रुका हूँ, वेट कर रहा हूँ कि रूपाली का कुछ ऐसा सुने और हम दोनों ज़ोर से हंसे, सभी लोग हंसे, एंड बहुत खुश है कि रूपाली को बहुत ही वेल डिजर्विंग सक्सेस मिली है, ये वो डिजर्व करती है, बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छी व्यक्ति है, और भगवान करे ईश्वर करे इससे भी ज़्यादा सक्सेस मिले। जिस तरह का प्यार मिलता है रूपाली जी, सारा भाई सीरियल हो गया या अनुपमा सीरियल हो गया, आप किस तरह से देखते हैं ये प्यार जो फैंस की तरफ से मिलता है? देखो जो व्यक्ति जैसा होता है ना वैसे एनर्जी अट्रैक्ट करता है, तो रूपाली को मैंने हमेशा देखा, हमेशा खुश, मस्ती, हंसी मजाक और लोगों से एकदम प्यार से मिलना जुलना, तो जितना प्यार उसने दिया है उतना उसको वापस मिल रहा है, तो वो डिजर्व करती है ये पॉपुलैरिटी, ये प्यार, ये सक्सेस, सर तुम्हें नहीं जाता, हाँ ये सारा कुछ डिजर्व करती है वो, और वो ये सब मिल रहा है, तो और हमारे लिए सारा भाई का रियूनियन है, तो रूपाली को मालूम है, रूपाली के बर्थडे से ज़्यादा ये रियूनियन में ज़्यादा खुश होते हैं वो खुद भी, तो बहुत मज़ेदार होने वाला ये शाम बहुत मज़ेदार होने वाली है, और आगे देखिए होता है क्या। ये लुक के बारे में कोई पूछता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, ये प्रूफ नहीं कोई प्रोजेक्ट के लिए थी, ये तो कोविड में पता चला सारे सतीश जी से हो गए, सफ़ेद हो गए,
तो मैंने बोला कि कुछ करना पड़ेगा एंड हियर आई एम. मेरे दोस्त है आलिम, उन्होंने एक अच्छी सी लुक दी एंड आई गॉट आउटस्टैंडिंग कॉम्प्लीमेंट्स. और मुझे लगा हाँ यार ये तो इन वोग है ये लुक, और बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है और बड़ा अच्छा लगता है, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ रहा है. हाँ मुझे इस लुक में काम करना है पर मैं इतना बिजी और कोई मुझे काम किसी को यही नहीं समझ रहा प्रोडक्शन के बाहर काम नहीं करता है. आई रियली वॉन्ट टू डू सम स्टाइलिश कैरेक्टर इन दिस लुक. मैं तो साउथ की फिल्म में प्रभास के सामने विलन बनने को भी तैयार हूँ ये लुक में. थैंक यू वेरी मच. आज का दिन काफ़ी स्पेशल है, सारा भाई वर्सेस सारा भाई की रीयूनियन, अनुपमा मैम का बर्थडे. क्या कुछ कहना चाहोगे सर? अव्वल तो आई एम टेकन बाय सरप्राइज, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा तामझाम होगा. मैं समझा उसने एक अदद रेस्टोरेंट बुक किए हम सब के लिए टू सेलिब्रेट अवर बिलेटेड बर्थडे. तो यहाँ आके ये चकाचौंध देखे तो मेरी आँखें चकाचौंध हो गई. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड फॉर एवरीबॉडी के इतना गजब का पूरा माहौल बना रखा है. एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट, विच शी नोस शी इज़ वेरी डियर एंड अ डार्लिंग ऑफ माइंड. एंड व्हाट इज द वन थिंग दैट मेक्स रूपाली मैम वेरी स्पेशल? शी इज़ ऑल लव, शी इज़ नॉट प्रिटेंशियस एंड विद द पीपल शी नोस. आई थिंक इवन व्हेन शी बिकम 90 इयर्स ओल्ड, गॉड ब्लेस हर, इफ शी लिव्स दैट लॉन्ग, आई होप शी लिव्स दैट लॉन्ग, शी विल बी द सेम, विच इज़ हाउ आई रिकग्नाइज अ पर्सन. I have this strange ability. If I know, I can see through the person whether it's a facade or a reality. Or you know, जो बोलते हैं ना, सही चीज़ है.